ये जो कैरेक्टर है गजल का कैरेक्टर ना ही ग्रे है ना ही नेगेटिव है, यू नो, कहीं घुस नहीं रही है. शी इज नॉट लाइक अरे मैं इनकी तबाह कर दूंगी जिंदगी. खुले ख्याल से देखिए एक, एक वॉज इन शिमला जो मेरा होम टाउन है और मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया और मुझे एक दिन में इधर बुलाया गया. तो मैं यहाँ पहुँची और यहाँ पहुँच कर मुझे पता चला दैट 130 गर्ल्स वर ऑडिशन इस कैरेक्टर के लिए, गजल कैरेक्टर के लिए. तो बहुत ग्रेटफुल एंड ओवरवेल्म्ड, बट यस काफ़ी खुशी हुई. और उसके बाद एक्चुअली चीज़ें इतनी जल्दी हुई हैं कि दो दिन में हमारा प्रोमो शूट था तो मुझे कुछ टाइम नहीं मिला है. मुझे लिटरली बस ये पता था अच्छा ये है ओके. तो अब जाके ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे हम शूट कर रहे हैं चीज़ें समझ आने लगी हैं. और जैसे कि आपको पता है टीवी शोज़ में इतना टाइम नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली आपको अपने किरदार पर काम करने के लिए और स्टोरी लाइन पे, वो क्योंकि सडनली थिंग्स हैपन, वर्कशॉप्स वगैरह नहीं हो पाती हैं. सो बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि इतनी अच्छी टीम है, हमारे डायरेक्टर है रंजीत सर, हमारी क्रिएटिव टीम है, हमारे राइटर्स हैं जो सब हेल्प कर रहे हैं. सो एज अ टीम वी आर हेल्पिंग ईच अदर. सो आई होप यू गाइस लाइक इट. बेसिकली यही यूनिकनेस है शो की कि इट्स नॉट लाइक दैट. ये जो कैरेक्टर है गजल का कैरेक्टर ना ही ग्रे है ना ही नेगेटिव है, यू नो. और मोस्टली क्योंकि सी हाउ यू आर सेइंग कि ये है क्योंकि ऐसा ही होता है, सबको यही लगता है. और ये कोई टकरार ऐसी नहीं है कि यू नो अब तू देख तुझे मैं निकालती हूँ तू ये कर वो कर, नहीं. वो अपनी जगह सही है, वो अपने फैक्ट स्टेट कर रही है और गजल अपने फैक्ट स्टेट कर रही है कि यार ये है ये है ये है. सो इन तीन कैरेक्टर्स, दुआ हैदर और गजल की यू नो स्टोरी है और इन तीन कैरेक्टर्स की जर्नी है कैसे डिलेमा में फंसे हुए हैं और उससे कैसे बाहर निकलेंगे. सो यस दिस गर्ल गजल ये कहीं घुस नहीं रही है. शी इज़ नॉट लाइक अरे मैं इनकी तबाह कर दूंगी जिंदगी, नहीं. बहुत सिंपल सी लड़की है, प्यारी लड़की है जो प्यार में पड़ गई है और उसके लिए यू नो इट्स लाइक कि सोच के किया तो क्या प्यार किया काइंड ऑफ थिंग, यू नो. और हैदर को भी प्यार हो जाता है तो वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. जैसे कि गजल का कैरेक्टर है कलरफुल ब्राइट एंड मॉडर्न ख्यालात की लड़की है तो वैसे ही उसका लुक है लाइक ब्राइट क्लोथ्स नाइस ज्वेलरी वगैरह सब सज धज के रहना पसंद है और मेकअप शेकअप करना पसंद है. सो जी ऐसा रहेगा लुक कुछ. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा काम है और अच्छा लगता है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. वरना टायरिंग तो होता है, इट्स हेक्टिक डेफिनेटली. तो बट क्योंकि पसंद है तो मज़ा आ रहा है. एंड विद अदिति एंड करण इट्स रियली नाइस. इट्स बोथ ऑफ देम आर रियली स्वीट, काफ़ी मस्तीखोर है मेरी तरह तो हम आई थिंक काफ़ी सही लोग टकराए हैं. तो हाँ आगे जाके देखते हैं अब कैसा रहता है. बस यही कहना चाहूंगी कि आप हमारा शो रब से है दुआ देखिए और पसंद कीजिए. और यार मतलब खुले खुले ख्यालात से देखिए एक मतलब यू नो जैसे आज तक आपने प्यार दिया है एज फैंस एज ऑडियंसेस वो प्यार देते रहिए. और बताइए आपको शो कैसा लग रहा है.